युवा कांग्रेस ने कैंट विधानसभा में धरना प्रदर्शन कर चलाया विधायक का पुतला। जी हां, जबलपुर युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष विजय रजक के द्वारा सिविल लाइन डिलाइट तिराहे पर बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई व लचर प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर क्षेत्रीय भाजपा विधायक अशोक रोहाणी का पुतला दहन किया। वहीं विजय रजक ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में कैंट विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां पर रोजगार की इतनी संभावनाएं थी कि शहर के लाखों युवाओं को रोजगार दिए जा सकते थे, लेकिन सरकार की नाकामियों और क्षेत्रीय विधायक व सांसद की निष्क्रियता के चलते युवाओं को रोजगार देने की वजह रोजगार को ही खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते विधानसभा में स्थित OFK व्हीकल, GCF, GIF, COD फैक्ट्रियों का प्राइवेटीकरण कर दिया गया, जिससे रोजगार की उम्मीद पर पानी फेर दिया गया और नए लोगों को रोजगार देना तो दूर, जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं उन पर भी नौकरी का संकट आ गया। लेकिन भाजपा विधायक अशोक रोहाणी और सांसद राकेश सिंह के द्वारा सदन में एक भी बार इनका विरोध नहीं किया गया। शहर में बढ़ती बेरोजगारी के जिम्मेदार अशोक रोहाणी और सांसद राकेश सिंह हैं, जिसके चलते रविवार एक दिवसीय धरना व पुतला दहन किया गया। PBC के लिए जबलपुर से ऋषि रजक की रिपोर्ट। जबलपुर युवा कांग्रेस के द्वारा कैंट विधानसभा से BJP विधायक अशोक रोहाणी जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। धरना इस बात को लेकर था कि पिछले 30 वर्षों से रोहाणी परिवार में विधायक हैं। पहले उनके पिताजी विधायक थे, आज वर्तमान में वो विधायक हैं। मध्य प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई विधानसभा होगी जहां रोजगार के इतने अवसर हों। आज कैंट विधानसभा में बात करें तो खमरिया फैक्ट्री, GCF फैक्ट्री, GIF व्हीकल फैक्ट्री, COD, 506 आर्मी वर्कशॉप, 4-4 विश्वविद्यालय और लगभग 15 से ज़्यादा कॉलेज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज रोजगार का जो अवसर है, लेकिन BJP नरेंद्र मोदी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इन फैक्ट्रियों का प्राइवेटीकरण किया गया। जहां रोजगार मिलने चाहिए थे वहां और रोजगार घटा दिए गए, जो रोजगार में थे उनको भी निकाल दिया गया। क्या कारण है कि आज तक क्षेत्र में जब रोजगार छिन रहा था तो 30 सालों से जब विधायक हमारे इस विधानसभा से रोहाणी परिवार से हैं, एक भी बार विधानसभा में, लोकसभा में यहाँ के सांसद की आवाज़ नहीं गूंजी कि रोजगार जब छिन रहे थे तो इन्होंने इस शहर की आवाज़ उठाई हो। आज युवा इनसे रोजगार मांगता है। आज समय समय पर बरसात में पन्नियां बांट देने से, बस्ते कॉपी और साड़ी बांट देने से युवाओं का रोजगार नहीं मिल जाता और ना ही गरीब जनता का पेट भरता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता के चलते उनका पुतला दहन किया है। युवा कांग्रेस के द्वारा कैंट विधानसभा के सभी वार्डों में लगातार ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे और अंत में कैंट विधायक ईश्वरदास रोहाणी जी के सुपुत्र जो अशोक रोहाणी जी हैं, उनके कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।